रहमान रहीम। ठीक है, ट्राई एंड कैच का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सी शार्प फाइनली कीवर्ड। ठीक है, फाइनली कीवर्ड क्या करता है? सी शार्प फाइनली ब्लॉक इज़ यूज टू एग्जीक्यूट इम्पॉर्टेंट कोड विच इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। कहता है फाइनली का एक अपना ब्लॉक होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ट्राई कैच। ठीक है, ट्राई कैच का अपना एक ब्लॉक है, इसी तरह से लास्ट में फाइनली का एक ब्लॉक होता है। कहता है इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। कहता है ये कोड कब चलता है? ये कोड हर हाल में चलेगा, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। तो हर हाल में क्या होगा? फाइनली का कीवर्ड, फाइनली का जो ब्लॉक है वो चलेगा। कहता है इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाई कैच और ट्राई ब्लॉक। कहता है ये ट्राई और कैच के साथ हमेशा लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? अभी हम जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तो डेटाबेस कनेक्शन देंगे, एप्लीकेशन को डेटाबेस यानी एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इन द केस ऑफ एनी एक्सेप्शन, कोई भी गड़बड़ हो सकती है, डेटाबेस हो सकता है सही तरीके से कनेक्ट ना हो या डेटा फेच ना हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उस हालत में क्या होगा? हमारे पास एक एरर आएगा, या तो हो सकता है सही तरीके से डेटा फेच हो जाए। तो दो सूरत हाल है, डेटा फेच होगा या नहीं होगा। तो डेटा फेच होने के बाद कनेक्शन का ख़त्म होना ज़रूरी है, और अगर डेटा फेच नहीं हुआ तो भी डेटाबेस का एप्लीकेशन से जो कंटिन्यूस कनेक्शन है उसे ख़त्म होना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ हम किस में लगाते हैं? फाइनली ब्लॉक में लगाते हैं। सही है, इसको अच्छी तरह से देख लो, ये बाद में हम फिर विंडोज़ ऐप या फिर वेब ऐप के अंदर फाइनली का कीवर्ड आएगा। तो अभी इसकी बेसिक एग्जांपल करवा देता हूँ। ठीक है, कंसोल पर फाइल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा जी, देखो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर ए कॉमा बी, और फ्लोट सी। ठीक है, यहाँ क्या करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 0। सही है, और यहाँ पर मैं कोड चलाता हूँ सी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, कंसोल डॉट राइट लाइन, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट सी, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आपको पता है क्या होने वाला है? 10 डिवाइड बाय 0 क्या होने वाला है? 10 डिवाइड बाय 0 का क्या आउटपुट होगा? एरर आ जाएगा। सही, क्यों? क्योंकि वो नंबर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट नंबर तो सी होल्ड नहीं कर सकता। तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे? ट्राई कैच की एक्सेप्शन वो लगाएंगे। ठीक है, हैंडिंग ट्राई लिख के डबल टैप भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कोड ट्राई में लिखो और एक्सेप्शन के अंदर ई, कंसोल डॉट राइट लाइन, एरर इज, मगर प्रोग्राम जो है वो ब्रेक नहीं होगा। फाइनली में क्या करेंगे? फाइनली का कीवर्ड लगाया। ठीक है, और कंसोल डॉट फोरग्राउंड कलर, सिस्टम डॉट कंसोल कलर डॉट रेड। ठीक है, इससे एरर प्रिंट हो जाएगा। वापस यहाँ आए, कंसोल डॉट राइट लाइन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कंसोल डॉट रीड की गो टू L1, और कंसोल को क्लियर भी कर देंगे, कंसोल डॉट क्लियर।
ठीक है, L1 कहाँ पर? ठीक है, इसको यूज़र इनपुट पे कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए इज इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। सिमिलरली इसको कॉपी किया, पेस यहाँ पे लिखा बी, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है इसको निकाल दें। ओके, देखो कोई भी केस हो, हर हाल में इसको क्या चलना है, फाइनली का कीवर्ड लाजमी चलाना है। ठीक है, इसको फाइनली से बाहर रखते, फाइनली के अंदर अनकंडीशनल जंप नहीं आ सकता। ठीक है, तो फाइनली के अंदर क्या होगा, वो हर हाल में तुम्हें ये मैसेज प्रिंट करेगा कि कोई की प्रेस करें वापस जाने के लिए और प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक नहीं होगा, कंसोल डॉट क्लियर होगा, गो टू L1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो पहली कंडीशन जिसमें एरर आएगा, तो मैं ए की वैल्यू को 100 देता हूँ और बी की वैल्यू को 0 देता हूँ, तो इस कंडीशन में एरर आना चाहिए 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 0, ये एरर आया, मगर प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक नहीं हुआ। उसने क्या कहा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो ये कौन सी वाली स्टेटमेंट को पढ़ रहा है, फाइनली वाली को पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, एरर के बाद। अब मैंने एंटर किया, दोबारा से वैल्यू पूछने लगा, तो मैंने दी 5, ए की वैल्यू दी 2, उसने सी के अंदर क्या दे दिया। ठीक है, अच्छा अब एक्सेप्शन नहीं आई है, मगर इसका आंसर ये नहीं है 5 डिवाइड बाई 2 का 2.5 आना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, दो, अब हमें पता है इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होता है तो हमेशा इंटीजर ही देता है, उसको फ्लोट कन्वर्जन देनी पड़ेगी, तो उसकी कन्वर्जन कुछ ऐसे हो कि टाइप कास्टिंग करेंगे फ्लोट, ठीक है, और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0 से, तो क्या होगा, सही आंसर आना शुरू हो जाएगा, वरना वो पॉइंट की वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। सही है, अब इसको रन किया, 5 डिवाइड बाई 2, देखो 2.5। तो ट्राई की स्टेटमेंट चले या फिर कैच की स्टेटमेंट चले, उसके बाद लाजमी है कि फाइनली का स्टेटमेंट चलेगा, फाइनली ब्लॉक रन होगा। सही है, तो ऐसी सिचुएशन में डेटाबेस जब कनेक्शन ओपन और कनेक्शन क्लोज करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसकी।